मेरे पास आई हुई है क्या सोनेट, और इसमें सिस्टम नहीं काम कर रहा है, और इसको खोलेंगे कैसा ओपन होता है और क्या क्या हमें खोलना पड़ता है। और ये देख सकते हैं क्या गाड़ी है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या खोलना। पहले ये हम निकाल लेंगे ऊपर का, चलो निकालते हैं। ये देख सकते हैं ऐसा ही ये निकलता है बाहर, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा मतलब प्रेस करना, और ये आ गया मेरा बाहर। और अब हम क्या खोलने वाले हैं सिस्टम। ये खोलने के लिए यहाँ दो स्क्रू रहता है, पहले ये स्क्रू को, ये पैनल को थोड़ा सामने खींच लेंगे। चलो पहले ये दो स्क्रू खोल लेते हैं, ये दिख रहा है। और ये मैं अभी ओपन कर दिया हूँ दो स्क्रू, और इसको हम सामने खींच लेंगे स्क्रू ड्राइवर ऐसा डाल के माइनस का, और इसको खींच लेंगे बाहर। चलो निकालते हैं बाहर, यहाँ पे ऐसा स्क्रू डालना और ऐसा करके थोड़ा बाहर खींच लेना। खाली नीचे लॉक रहता है, ये देख सकते हैं ये मेरा खुल गया। अब हम क्या खोलने वाले हैं, ये पैनल निकालने वाले हैं। और ये देख सकते हैं ये पूरा पीस रहता है। कोई कोई सोचता है कि ये पूरा ऐसा निकलेगा असेंबली, ऐसा नहीं निकलेगा भाई। यहाँ से ऐसा थोड़ा रहता है ये साइड से, यहाँ से स्क्रू ड्राइवर ऐसा खींच लेंगे, ये बाहर आ गया। चलो ओपन करते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये मैं ओपन किया हूँ बाहर का, ये एक पीस ऐसा रहता है। ये स्क्रू ड्राइवर यहाँ साइड में डालना, ये खुल जाएगा। देख सकते हैं मैं यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया हूँ, और अब ये भी निकाल देता हूँ साइड से। यहाँ पर भी लॉक रहता है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर ऐसा डालना साइड में, ऐसा करके खींच लेना। चलो निकाल, और ये मैंने निकाल लिया हूँ, और ये मेरा बाहर निकल गया। देख सकते हैं सिस्टम खोलने के लिए। अब और अभी बाकी है स्क्रू, चलो बताते हैं। यहाँ दो स्क्रू खोलना पड़ेगा, दो स्क्रू यहाँ खोलेंगे, और नीचे एक देख सकते हैं 10 नंबर का नट, वो एक तीन खोलेंगे हम फर्स्ट। चलो ओपन कर, आप देख सकते हैं मैं ये ओपन कर दिया हूँ दो स्क्रू, और ये भी नट ओपन कर दिया हूँ, और यहाँ का दो स्क्रू। चलो इसको बाहर निकालते हैं, देख सकते हैं कुछ भी नहीं रहता। इसको नीचे से ऐसा प्रेस कर लेंगे, और ये मेरा बाहर आ गया। अब ये ओपन करते हैं, कपलर को खाली ओपन करेंगे, और इसका चेक करने वाले हैं पावर। और ये देख सकते हैं वायरिंग कैसा रहता है इसका, दोनों साइड से दिखा दो, कभी कभी मिस हो जाता है। बहुत भाई पूछते हैं कि भाई इसका दिखाओ कोड, दिखाओ मतलब कलर कोड क्या है। चलो इसको चेक करते हैं, चलो इसका चेक करते हैं पावर। और ये मैंने यहाँ पे वो कर दिया हूँ माइनस में लगा दिया हूँ, देख सकते हैं इधर यहाँ पे लगा दिया हूँ माइनस में। और इसको हम चेक करते हैं इसमें प्लस आ रहा है क्या, और ये देख सकते हैं आ रहा है मेरा प्लस। और ये दो में रहना चाहिए माइनस, इसमें नहीं आता। चलो देख सकते हैं इसमें नहीं आ रहा, चलो इसमें देखते क्या क्या आता है। इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। अभी तक तो नहीं आया किसी में, सिर्फ उसी में है। इसमें दो में है प्लस, एक इसमें एक इसमें, बाकी में तो नहीं है। चलो फिर भी और देखते हैं, देख सकते हैं मैं ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ पूरा पावर। और इसमें ये और एक देख सकते हैं इसमें गड्ढा रहता पावर वायर जिसमें रहता, देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ये स्पीकर सबका हो गया, और इसमें सिर्फ दो मेन और दो माइनस, मतलब दो प्लस दो माइनस। और ये जो दिख रहा है रेड और एक ब्लू, इसमें दोनों में आना चाहिए मेन। और इसमें मेरा हो गया ऑलरेडी काम, चलो इसको फिट करते हैं, और चलो देखते हैं ऑन हुआ है कि नहीं मेरा सिस्टम। और सेम टू सेम गाड़ी में आया है मेरा प्रॉब्लम, दो गाड़ी में कुछ भी नहीं किया इसमें, सिर्फ खाली खोल के लगाया तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। चलो एक बार फिट करते हैं कि मेरा सॉल्व हुआ है कि नहीं। चलो अब फिट कर दिए हैं दोनों कपलर को, और बाकी सबको भी फिट कर दिए, देख सकते हैं कि आपको कैसा रहता। और ये जो अगर भाई कभी भी फर्स्ट टाइम खोल रहे तो ये देख लेना, यहाँ तो स्क्रू रहता है पूरा ऊपर के साइड, ये देख सकते हैं, दिखा दे रहा हूँ फिर भी। कभी भी ये सिस्टम खोलने के लिए पूरा ना खोले बाहर से, वरना टूट जाएगा भाई। यहाँ से साइड से ऐसा स्क्रू ड्राइवर डाले, यार थोड़ा थोड़ा खींच करके
ये बाहर आ जाएगा। उससे पहले ये बता दिया हूँ कि यहाँ से पहले ये खोल लेना, फिर यहाँ का ऐसे ही का हम फाइनल थोड़ा बाहर खींच लेना स्क्रू खोल के, फिर अपना ये निकाल के फिर उसका सिस्टम खोलेगा। चलो मेरा काम हुआ है कि नहीं देखते हैं। चलो ऐसा फिट हो गया, अभी रख दिया हूँ, की कौन करते हैं देखते हैं आता कि नहीं मेरा डिस्प्ले। और ये देख सकते हैं आ गया मेरा। चलो रेडियो बजाते हैं। अरे रोज रोज की वेड़ पेरुगुपोतुंदी कानी इप्पुडु हॉटेस्ट प्लेस अयिते जायलका से जायल। और ये देख सकते हैं पूरा आ रहा है मेरे में सिल्वर अनकट डायमंड्स मरियम प्रीशियस ज्वेलरी कोनगोल पाए। अरे आइए आइए संदीप, शादी के बाद पहन। चलो फिट करते हैं, अब फाइनली हो गया मेरा पूरा काम। चलो फिट करते हैं सेम टू सेम, जैसा खोले वैसे ही फिट कर देंगे अब। चलो हम पूरा फिट कर दिए, देख सकते हैं जैसा खोले तो दो स्क्रू यहाँ पे, एक नट यहाँ पे और दो स्क्रू यहाँ पे। अब ऊपर का हम फिट करने वाले हैं पैनल, और ये देख सकते हैं मेरा आ रहा है 95 भी आ रहा है। चलो हम ऊपर का पैनल फिट कर लेते हैं, और ये रहा देख सकते हैं ऐसा रहता है पैनल। अब इसको हम फिट कर देंगे, और ये देख सकते हैं फिट कर दिया हूँ मैं, और जैसा फिट होना चाहिए ऐसे ही फिट किया हूँ। देख सकते हैं कहीं भी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे छोटा सा एक रहता लॉक, उसको भी चलो फिट कर लेते हैं, और उसका लॉक यहीं रखे थे। चलो इसको फिट कर लेते हैं, और ये फिट हो गया। चलो सेम टू सेम अब यहाँ का भी लगा लेंगे, और उससे पहले हम और इसका भी दिखा देते हैं। एसी पैनल ये है, और इसमें कितना वायर है वो भी देख सकते हैं आप। चलो साफ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देख सकते हैं एसी पैनल है ये, और इसमें सब आता है फॉर इंडिकेटर, ये सब पूरे आते हैं किया है। और फॉर इंडिकेटर बंद करते हैं, चलो इसको फिट कर लेते हैं। चलो अब फिट कर लेते हैं, ये मेरा फिक्स हो गया, देख सकते हैं पूरा। नीचे से भी दिखा देता हूँ, पूरा फिक्स हो गया। यहाँ दो स्क्रू लगा देते हैं, देख सकते हैं हो गया पूरा फिट। और यहाँ का एक आता पट्टी ब्लैक कलर का, वो भी फिट कर लेते हैं। चलो और देख लेते हैं इसका, यही रहा ये पट्टी, और इसका ये फिट होता है ऐसा, खाली लॉक रहता है पूरे। चलो फिट करते हैं। फाइनली मेरा पूरा फिट हो गया, देख सकते हैं। चलो की को ऑफ करते हैं। ये हो गया पूरा फिट। और एक है गाड़ी सेम टू सेम किया सेल्टोस, ये क्या सोनेट, और इसका भी सेम इशू है, सिस्टम नहीं आ रहा है। और उसका भी कुछ भी नहीं किए, बस मतलब कपलर खोल के चेक करे पावर, फिर फिट करे तो सेम टू सेम हो गया, उसका भी ऑन हो गया। चलो अब इसका तो हो गया एक गाड़ी, और चलो देखते हैं सेकेंड गाड़ी क्या है। एक गाड़ी है क्या सोनेट, इसका भी सेम टू सेम इशू था। चलो पहले की को ऑन करते हैं, इसमें स्मार्ट की है, और ये देख सकते हैं इसमें आ गया लाइट, और इसका सेम इशू था, कुछ भी नहीं खाले इसका मतलब खोले वायरिंग चेक करे पावर ओके था, फिर फिट करे वापस, देख रहा हूँ ऑन हो गया। चलो इसको भी फिट कर लेते हैं, और ये मैं फिट कर लिया हूँ यहाँ का वायरिंग पूरे, और देख सकते हैं अंदर तो कुछ भी नहीं है, और इसको भी फिट कर लेते हैं। चलो अब इसको फिट करते हैं, और कैसा फिट होता है वो भी बताएंगे। ऐसा खाली अच्छा से लॉक कर देना, ये फिट हो गया, ये मेरा देख सकते हैं डिस्प्ले। चलो अब ऑन करते हैं, और ये FM ये देख सकते हैं आ रहा है। चलो इसको फिट कर लेते हैं, सेम टू सेम है ये भी। इसमें भी यही इशू था कि ऑटोमेटिक ऑफ हो गया था डिस्प्ले, मैं सोचा कि ये खराब हो गया, कि चेक किया फ्यूज चेक किया ओके था, सामने का भी फ्यूज चेक किया ओके था, उसके बाद चेक किया पावर वो भी ओके था, फिर सोचे कि चलो एक बार लगा के चेक करते हैं, लगाए तो ऑटोमेटिक आ गया डिस्प्ले। अगर ऐसा भी आपके साथ हो तो चेंज नहीं करना, पहले फ्यूज चेक कर लेना, और दूसरी बात फिर एक दो बार पावर चेक करना कपलर में, अगर ओके है तो एक बार लगा के देखना, नहीं है तो फिर सिस्टम का इशू रहता। चलो उससे पहले फिट कर लेते हैं इसका क्या है फिटिंग, सेम टू सेम रहता जो इससे पहले वीडियो में हम फिट किए हैं। देख सकते हैं दो स्क्रू यहाँ, एक नट यहाँ, दो स्क्रू यहाँ। चलो फिट कर लेते हैं, और ये देख सकते हैं मेरा फिट हो गया, एक नट इधर, दो स्क्रू इधर, और दो स्क्रू इधर।
चलो अब ये फिट कर लेते हैं एसी पैनल, और सेम टू सेम है इससे पहले जो फिट करे वीडियो में। और इससे पहले हमको ध्यान देना रहता है ये लॉक नीचे जो दिख रहा है ना, ये लॉक सही सेंटर में रख के और अच्छा से इधर प्रेस कर देना। चलो ये फिट हो गया मेरा, देख सकते हैं कुछ भी यहाँ नहीं है गैप, अगर वो बैठता नहीं तो इधर गैप आ जाता। अभी तो मेरा ओके है। चलो दो स्क्रू इधर लगा लेते हैं फर्स्ट, और ये स्क्रू मैं फिट कर दिया हूँ। अब यहाँ का फिट कर लेते हैं ऊपर का पैनल। कभी भी अगर ये फिट कर लिए तो अगर ये खुला है तो फिट नहीं होगा भाई, पहले ये फिट कर लेना समझे। चलो इसको हल्का सा हम पुश करते हैं, ये बाहर आ गया। अब इसको हम कुछ भी नहीं रहता ऐसा, खाली लॉक रहता है दबाने का। चलो लॉक कर लेते हैं, और ये देख सकते हैं मैं ये ऑलरेडी फिट कर दिया हूँ पूरा। देख लीजिए ये हो गया मेरा पूरा फाइनल फिट, और जो देख सकते हैं पूरा ओके हो गया। और अब हम क्या करने वाले हैं आपको इसमें, और एक बात, ब्लूटूथ क्या होता है मतलब बहुत आदमी मतलब वो नहीं कर पाते मतलब कनेक्ट, और इसमें हम सीखेंगे मतलब कैसे करते हैं कनेक्ट। और ये गाड़ी मतलब किया सोनेट है। चलो हम होम में क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ देखते हैं ऑल मेन्यू में जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं डिवाइस कनेक्टेड। उसके बाद दो ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्शन, इसमें अगर जाओगे तो यहाँ पे नहीं होगा कनेक्ट। चलो बैक हम चले जाते हैं, उसके बाद हमको जाना है यहाँ पे फोन प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे हमको जाना है एड, अब यहाँ पे होगा सर्चिंग हो रहा है ये कि गाड़ी क्या गाड़ी है। अब यहाँ पे सर्च देख सकते हैं, यहाँ फ़ोन सर्च कर रहा है, ऑटोमेटिक आपका फ़ोन में आएगा, सर्चिंग होने के बाद हो जाएगा कनेक्ट। उसके बाद यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे लिखा रहेगा अलाउ बोल के, उसके बाद कर देना अलाउ। अभी चलो तो मैं अभी कर लेता हूँ, बैक कर लेता हूँ मैं, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं। अगर आपके साथ हुआ तो ऐसा कर सकते कनेक्ट। चलो फाइनली फिट हो गया मेरा।